डीआर पेपर स्वागत है आपका एक और हाउस ऑफ फ्लिपर के एपिसोड में, जहां पे मैं काम करता हूँ, दूसरों के गंदे घर साफ करता हूँ और कुछ चंद पीसों के लिए मैं ये काम करता हूँ। गाइस ये है मेरा घर, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं अपने घर को बड़ा कर रहे, घर आप पाड़ रहे, मेरे को इंटरेस्ट है पीसा, कैश, मनी। यस, तो उसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। देखते हैं, दो काम है मेरे पे, एक है ये वाला घर और एक है ये वाला घर, मैं करूंगा। आई हैव अ न्यू कॉज फॉर यू, लेट अस सी दिस जॉब माय गाइस। मेरे को पेंटिंग वगैरह कब ये सिखाएंगे मैं देख रहा हूँ, अभी तक पेंट पुट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रखा है। जैसे ही पेंट का ऑप्शन आएगा अपन पेंटिंग चालू कर देंगे। दिस हाउस इज नीट माय गाइस, दिस हाउस इज एक्चुअली नीट। मेरे को लगता नहीं है मेरी जरूरत होगी यहाँ पे, मेरे को तो ये घर ऐसी बहुत बढ़िया लग रहा है। और लुक एट दिस, इट इज एब्सोल्युटली तो हाँ ये है तो, अरे तेरी भैंस का लकड़ा, मैं सोचू बढ़िया घर है मेरा, कद्दू बढ़िया घर, पूरा गोबर फैला रखा है। ये देखो ये क्या है, बुरी तरह से कर रखा है। मिस्टर स्पिनर साला, ये क्या है, फिजिट स्पिनर, इसके ये कौन सा हीरो है भाई, इसके टकले पे फिजिट स्पिनर लगा है। व्हाट इज दिस हीरो, आई गेस इट इज यूजलेस। लेकिन आ जाओ काम चालू करते अपना, लेट मी कलेक्ट द ट्रैश माय गाइस, इट इज ट्रैश बंदे फैला के रखे, ऐसा कोई घर ना देखा मैंने जहां पे ऐसा गंदगी ना फैली हो। हर एक घर पे गंदगी दबा के रखी है गाइस, दबा के बिल्कुल। लेकिन आ जाओ, ये काफी कुछ कलेक्ट कर लिया मैंने, और कुछ है क्या गंदगी इधर पे। हाँ, ये पिज्जा पुज्जा खा के सालों ने यहीं फेंक रखा है, खाते हैं पिज्जा फेंक देते हैं। ये चीजें टूट रखी है, पता नहीं कैसे चीजें टूट रखी है यहाँ पे, गंदगी हो रखी है, धैड़ फैड़ एकदम फाड़ के गंदगी हो रखी है। लेकिन आ जाओ इस कमरे पे, देखते कुछ है गंदगी, डम्बल डुम्बल रख रखा है नल्ले के पिल्लों ने, इनका पूरा यही बेच दूं मैं, पूरा घर ही बेच दूं क्या। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके यहाँ पे कुछ कुछ उठाया मैंने। अरे कितने दरवाजे भाई, छोटे छोटे कमरे, 100 कमरे हैं साला, कितना बड़ा घर है भाई ये, घर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा घर है ये, गराज गड्डी आ जाएगी इसमें फिट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे नीचे सीढ़ी भी है। अरे तेरी भैंस की लकड़ी भाई, ये तो मैं देखा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या है गाइस इसमें, तो यहाँ पे तो लट लुट पड़ी है भाई, बुरी तरह से दबा के गंदगी है, फुल गंदगी फुल ऑन है। अरे यार ये पूरा ये भर गया इसकी ऐसी तैसी, अब इसको मैं फेंकू कहाँ, डस्टबिन है इधर, ये भी गोबर कर रखा है यहाँ पे। अरे बुरी तरह बुरी हाल है गाइस इसके, तो इस घर के बुरे हाल है, मोटा पीसा मिल सकता है। लेकिन साला मैं भटक गया, मैं आया कहाँ से था, ये रहा डस्टबिन का है, देर इट इज माई गाइस डस्टबिन, इसको पेलो अंदर, आ जाओ अभी चालू करते हैं, सफाई से चालू करते हैं, पहले काम करते हैं इस वाले कमरे पे गाइस, वी नीड टू क्लीन दिस कमरा राइट हियर। सबसे पहले अपन ये कमरा साफ करेंगे ऐसी तैसी इनकी, ये लो यहाँ पे भी मार दिया मैंने कपड़ा, और कुछ है यहाँ पे भी मार देता हूँ, गंदा दिख तो नहीं रहा मेरे को। ये देखो यहाँ पे सालों ने किचन पे भी गंदगी फैला रखी है, पता नहीं क्या मैगी बनाऊंगा मैं, सालों ने मैगी के नाम पे गोबर बना दिया यहाँ पे, मेरे को काम करना पड़ रहा है। ये देखो ट्रैश बैग में ये डाला नहीं मैंने, पता नहीं कैसे। लेकिन आ जाओ गाइस, ये क्या, स्क्रॉच पैंट को मैंने यहाँ रख दिया, ये पता नहीं क्या चीज है। अच्छा ये बर्तन मांज के साफ करने का, इसको मैं यहीं रख देता हूँ नीचे पे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। देखो ये कप कुप टेढ़े कर रखे नल्ले के पिल्लों ने, ये भी मेरे को सीधा करके रखना पड़ेगा। ये भी ट्रैश है साला, इतना ट्रैश है इन घरों पे मैं क्या बताऊं गाइस। ये चीज भी सीधा करके रखना है मेरे को, कुछ चीज बेच सकता हूँ मैं, ये दूसरों का घर है ना, दूसरों के घर की चीज कैसे बेच सकता हूँ मैं तो काम करने वाला हूँ, है कि नहीं, तो मैं दूसरों का घर का सामान बेच तो नहीं सकता। आ जाओ, लेकिन ये ट्रैश पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ओके ये हो गया मेरे ख्याल से, अभी क्वेस्ट है सफाई का, 5-3 स्टेन और है इधर, कहाँ पर है 3 स्टेन यार, ये रे गाइस। ओके क्लीन हो गया ये वाला, 2 स्टेन और है यहाँ पे इस कमरे में, और मेरे को कद्दू नहीं दिख रहा कुछ इसके अंदर है क्या, ये है सब कुछ साफ कर दूंगा मैं, स्टेन है कहाँ साला, गंदगी है कहाँ, दिखाई तो पड़े मेरे को, दिखाई मेरे को कद्दू भर का नहीं पड़ रहा है कुछ, साले बता रहे गंदगी है, कहाँ पर है गंदगी, खिड़की पे कहाँ पर है, वेस्ट द गंदगी, आई डोंट से इट नोवेयर माय बॉयज, यहाँ पे होगा क्या, पता नहीं कहाँ पर है गंदगी यार, मेरे को तो साफ दिख रहा है सब कुछ माहौल, तुम्हें दिख रहा है कहीं, हाँ ये रहा साला, मेरे को क्या पता यहाँ पर है इतना सा। लेकिन ये हो गया ये कमरा, आई थिंक इट इज डन माय गाइस, दिस रूम इज एब्सोल्युटली डन, मेरे को लगता नहीं है कुछ और करने की जरूरत है, इस चीज को मैं बेच नहीं सकता हूँ, दिस रूम इज डन राइट हियर। आ जाओ आप चलते इस वाले रूम पे, पहले तो मैं क्या करूँ, पहले तो मैं टेबल कुर्सियां ना सही से लगाता हूँ, एकदम सही से लगा देंगे बूम्बास्टिक। आ जाओ ये इस डब्बे को ऐसे रखेंगे और इस चीज को ऐसे रखेंगे, एकदम अलाइनमेंट होनी चाहिए गाइस, समझ रहे हो, अलाइनमेंट कर देंगे एकदम, ये लो बूम, ठीक है। अब ये रखा डम्बल, नल्ले के पिल्ले ने डम्बल यहाँ फेंक रखा है साला, ये कितना हल्का सा डम्बल है, ये कोई लड़की है क्या, कोई लगता है कोई लड़की करता है यहाँ पे जिमिंग गाइस, लड़की करती है जिमिंग गाइस, यस। ये बेड भी उठा सकूं क्या मैं पूरा बेड उठा सकता हूँ भाई, रहने दो, पर बेड बूट नहीं उठाना मुझे। ओके दिस लुक्स गुड माय गाइस, आई गेस इट इज फाइन, गंदगी कुछ और है नहीं इस कमरे पे, जो भी था मैंने सही कर दिया, दिस रूम इज डन, वी विल क्लोज द डोर फॉर एवर।
ठीक है, ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, आ जाओ जहाँ पे एंट्रेंस वाला रूम, कुछ चीजें यहाँ पे खराब है, इन चीजों को अंदर डाल देता हूँ, ये लो ठीक है, ये अंदर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे ये चप्पलों को यहाँ रख देता हूँ, बिल्कुल शाही तरीके से चप्पलों को यहाँ पे रखेंगे, इस चीज को भी कर सीधा एकदम, इट इज बोम्बास्टिक, इट इज लुकिंग गुड, दिस रूम इज डन आई गेस। इसका दरवाजा नहीं है क्या रूम का? अरे क्या रूम है साला, दरवाजा नहीं है, पता नहीं फकीरों का घर, सालों ने दरवाजा नहीं रख रखा। वी पुट दिस चप्पल राइट इनसाइड, इट इज नॉट गोइंग इनसाइड, सो वी पुट इट राइट हियर। ये साला अंदर जा ही नहीं रहेगा, एक काम कर इसको ऊपर रख दे, चप्पल को चढ़ा दे सर पे, बेसबॉल बैट को यहाँ रख दे, बेसबॉल बैट यहाँ क्यों पड़ा है पता नहीं, रुको आ जाओ, ये रखा ये और ये रखा चप्पल, इसकी जोड़ी पता नहीं कहाँ है, ये लो चप्पल ऐसी रख देता हूँ, चप्पल साफ करने नहीं आ रखा हूँ मैं, ये मेरा काम नहीं मेरे भाई, चप्पल साफ करना, ये भी ठीक है, दिस रूम इज क्लीन आई गेस, वी क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ये क्या है, ये कबर्ड है, इसको छोड़ो, ये रूम कर लिया, ये रूम कर लिया, आ जाओ ये, ओ ये है ना असली दिक्कत, तो यहाँ पड़े मेरे गाइस, दस स्टेन है यहाँ पे, 10 स्टेन, आ जाओ जल्दी जल्दी मिटा इसको, मिटा दो स्टेन को, मिटा दो, ओके स्टेन मिट गया, ये बस ये कूड़ा पड़ा है, कूड़ा भी हटा दिया मैंने, आ जाओ दारू की बोतल सालों ने टेढ़ी करके रख रखी है, जार जूर यहाँ पे रख देता हूँ, इन जार पे है क्या, लेकिन आओ यहाँ पे देखते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे का भी सामान, नीचे भी इट इज लुकिंग गुड गाइस, इट इज आई गेस इट्स फाइन, मैं ये इनकी ये चीजें साफ करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं बस घर की गंदगी साफ करने आ रहा हूँ, ये हो चुका है, आ जाओ अभी लगता है नीचे जाना पड़ेगा गाइस, एक ही स्टार मिला है मेरे को अभी तक, पता नहीं क्यों काम नहीं किया क्या मैंने ढंग से, आ जाओ गाइस यहाँ पे होगा काम, यहाँ पे असली काम, ये नहीं मिट रहा है, हाँ ये तो मिट ही नहीं रहा है, तो पुराना हुआ है गाइस, हो यहाँ पे होगा गाइस काम, यहाँ पे तो कुत्ता फाड़ काम है, यहाँ पे तो कुत्ता फाड़ काम है, ये पुरानी चीजें बेचनी होंगी, हाँ ये जो चीजें पुरानी पड़ी ना गाइस, ये मेरे को बेचनी है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर ये सारा कुछ बेच दे, ऐसे तैसे तुम्हारे भैंस का लगड़ा, कोई जरूरत नहीं है चीजों की, इन चीजों की बेच दो, ऐस तैस, ये मैं बेच कैसे पा रहा हूँ, पर ये मेरे को ओनर ने बोला है कि ये बेचने के लिए, मैं बेच कैसे रहा हूँ, जबरदस्ती तो नहीं बेच रहा मैं, अरे गाइस ये बेचा, ये और कुछ है बेचने के लिए, ये बेचा, मेरे ख्याल से गंदगी जिनमें पड़ी है उन चीजों को मैं बेच नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे टॉयलेट है साला, नीचे भी टॉयलेट रख रखा है, 17 चीजें और सेल करनी है गाइस मेरे को, लेकिन अभी ना ये हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे है गंदगी, तो पहले अपने को गंदगी साफ करनी होगी, आ जाओ ये भी साफ कर, ये भी साफ कर, ऐसे तैसे ही, ये रहा डस्टबिन, पुट इट इनसाइड, ये भी पूरा कूड़ा साफ कर, तेरी भैंस का लकड़ा, चलो पुट इट इनसाइड, टेक दिस, यस पुट इट इनसाइड राइट हियर, बूम, ठीक है कुछ और है इधर, कुछ और है नहीं, ये बॉल साला, ये बॉल भी बेच दिया क्या मैंने, आ जाओ अभी ये सोफा बेचना है कि नहीं, ये सोफा बेचना नहीं है गाइस, कुछ चीजें यही रहेंगी और कुछ चीजें बेचनी है, पता नहीं क्या क्या बेचना है, यहाँ पे है माल पानी गाइस बेचने का, समझ रहे हो, यहाँ पे है माल पानी बेचने का, ये तो फट्टा भी बेच रहा है मेरे भाई, ये तो फट्टे बेचने को तैयार है, इसने तो फट्टे बेच दिए, फट्टे कैसे बेच रहा है, 6 चीज और है गाइस बेचने के लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ ये है क्या, हाँ ओके वो रहा, ये चीजें बेचनी है, ओके दो, और एक चीज और है गाइस बेचने के लिए जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, वेयर इज इट, इट इज ओके, तो ये चीजें बेच दिया अपन ने, आ जाओ आप अब चीजों को साफ करके रखता हूँ, ये रही बॉल, बॉल को यहाँ रख दो, ये रही एक और बॉल, सालों ने यहाँ पे पटक रखी है बॉल, बॉल को यहाँ रख दो, इस डंडे को, ओके ओके ओके, ये टेबल यहाँ रहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं खेल पाएगा मेरे को पता है ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, भाड़ में गया मैं, यहाँ पे गेम खिलाने नहीं आया हूँ, ये मैं यहाँ पे काम निपटाने आया हूँ अपना, इसको रख देंगे ऐसे, इट इज गुड, इट इज लुकिंग गुड, यहाँ पे थोड़ा स्टेन है, इस स्टेन को साफ करना पड़ेगा गाइस मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, अंदर भी कर दे साफ, यस वेरी नाइस, इट इज क्लीन, ये भी अपने को क्लीन करना होगा, मोटा पीसा मिल सकता है जिससे इस जॉब से मोटा पीसा मिल सके, ओके ओके, टेबल भी साफ कर रहे हैं आप धीरे धीरे, ये टेबल भी साफ कर दे, इन चीजों को बेचता नहीं है, इन चीजों को साफ करना है, ये भी साफ कर ऐसी तैसी देरी, ये भी साफ कर ऐसी तैसी देरी, ये डब्बा भी साफ कर ऐसी तैसी देरी, आ जाओ यहाँ पे थोड़ा और ट्रैश पड़ा है, ट्रैश को उठा लेंगे, ठीक है हो गए, इतना काम हो चुका है गाइस मेरा अभी की क्या कहते हैं कि मैं ना आगे बढ़ सकूं, पहले ना मेरे को ये साफ करना होगा, तभी टीवी टूवी लगाऊंगा गाइस इसमें, समझ रहे हो, ये पूरी चीजें साफ करूंगा तभी टीवी टूवी का काम करेंगे, नहीं तो अभी फायदा नहीं है करके, स्क्रैच साफ हो जाते हैं क्या ऐसे कपड़ा मार के, है हमारे घर पे तो ना होते भाई ऐसे साफ, कपड़ा पहल के, कपड़ा पहला स्क्रैच साफ, ये तो भैया यहाँ यहीं पे हो, इन्हीं की दुनिया में हो, हमारे में तो ना हो भाई ऐसा कुछ, जो जो स्क्रैच स्क्रैच पड़ गया वो रह गया जिंदगी भर के लिए, समझ रहे हो, आ जाओ इसको वे पुट इट हियर, आ जाओ देखते हैं क्या क्या इस डब्बे में, चल निकाल, ओ न्यू पेंटिंग, ओके तो इसने ये नई पेंटिंग लाई है नल्ले ने, ओ अरे साला ये तो ऊपर लगा हुआ था, साले को यहीं पे भी यही पेंटिंग लगानी है, कितनी लाएगा ये, एक पेंटिंग और है गाइस, इसको मैं यहाँ पे लगा दूं, यस पुट इट राइट हियर एंड दिस बॉक्स इज डन, आ जाओ ये कबाड़, ये कूड़ा मैंने देखा नहीं, गंदगी कोने कोनों में छुप रखी है, ठीक है आ जाओ अभी इस बक्से में देखते हैं क्या है, चल निकाल, व्हाट इज दिस थिंग माय गाइस, ये किताबें हैं क्या, ये गेम्स है, किताब ये गेम्स है गाइस, हाँ ये गेम गूम है,
साले का गेमिंग रूम है ये जो भी है, ये जो भी होगा यहाँ का उसका गेमिंग रूम है ये। अच्छा ये बॉल यहाँ पे, साला बॉल इधर उधर क्यों पड़ रखी है, और ये गंदगी यहाँ पे कब आई। अच्छा ये भी साफ नहीं किया था मैंने, पूरा दिखाई नहीं मेरे को ये। आओ देखिए और क्या क्या पड़ा है इसमें डब्बे पे, चल डब्बा खोल। ये भी गेम घूम, ये गेम की सीढ़ियां है ये मेरे ख्याल से। ये कौन सा गेम है, कराकेन साला, पता नहीं नकली गेम बना रखे इन्होंने अपने ही। ये कौन सा स्टेशन है, PS7। वाह ठीक है भाई, PS7 पता नहीं कब आ गया, ऐसी तैसी इनकी। आ जाओ, वी पुट इट राइट हियर माय बॉयज, वी पुट इट राइट हियर, बूम, दिस बॉक्स इज डन, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। ये लो इसको भी लगा, किताबें हैं ये तो, किताबों की क्या जरूरत है, ये तो गेमिंग रूम है यार, क्या जरूरत है आपको किताबों की भैया, आप गेम खेलो यहाँ पे। आ जाओ, दिस बॉक्स इज डन, दिस इज द बिग बैड बॉक्स, वी विल पुट टीवी राइट हियर, वी पुट स्पीकर राइट हियर माय बॉयज, वी पुट स्पीकर राइट हियर, एंड व्हाट द हेल इज दिस, आई हैव नो आइडिया, इट इज अ गेमिंग पीसी आई गेस। हाँ ये गेमिंग पीसी है, दो कंट्रोलर भी हैं साले पे ना, पीएस है वो, पीएस है गाइस, पीएस है। अच्छा प्ले स्टेशन था वो उसका, ये रख देते हैं यहाँ पे उठा के, और ये रख देते हैं यहाँ पे उठा के, ठीक है। साला एक चीज उठाता हूँ दूसरी गंदगी साफ सामने आ जाती है मेरे, समझ रहे हो। ओके आई गेस इट इज क्लीन, इट इज एब्सोल्युटली क्लीन माय गाइस, बस ये चीजें मेरे को अरेंज करनी है थोड़ा बहुत। ये लो बूम्बा स्टिक, पुट इट राइट हियर बूम्बा स्टिक, एंड पुट दिस वन राइट, पुट दिस वन, अरे हटता क्यों नहीं, पुट इट राइट हियर बूम, एंड पुट दिस वन राइट हियर गाइस, बूम, ठीक है। ये हुआ मीरो के चोसले, क्या है डब्बा साला, डब्बे बना रखे हैं यहाँ पे, डब्बे लेने आ रखा हूँ मैं। लेकिन अभी भी इस घर में स्टेन वगैरह है गाइस, कहाँ पर है मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये जो बाथरूम है ना वहाँ के स्टेन बता रहा है, ये साथ जो स्टेन बता रहा है, हाँ ये बाथरूम के स्टेन वगैरह है। बाथरूम साफ करूंगा एकदम हो जाएगा काम, दो स्टेन बाकी है सिर्फ। ओके स्टेन इज डन माय गाइस, स्टेन इज डन, सो काम पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी मेरे को 3 स्टार की रेटिंग नहीं मिली मेरे भाई, मेरे गाइस मेरे को अभी भी 3 स्टार रेटिंग नहीं मिली है, क्यों, क्या दिक्कत है यार। क्लीनिंग कहाँ बाकी है, कहाँ बाकी है स्टेन भाई, गाइस कहाँ बाकी है स्टेन यार, मेरे को तो साफ दिख रहा है। अच्छा साला छत पे भी स्टेन हो रखा है ऐसे तैसे तुम्हारी। आ जाओ गाइस, मेरे ख्याल से बस ये लास्ट 2 स्टेन है, एक स्टेन बाकी बता रहा है, वो रहा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, साला हरा हरा निकल के आ रखा है यहाँ पे। इट इज गुड, जॉब इज डन माय गाइस, जॉब वेल डन। नीचे का अपन ने कमरा पूरा सेट कर दिया, क्या गोबर कर रखा था इन्होंने, अपन ने पूरा बेहतरीन बना दिया इसको। इफ वी कम हियर, ये पूरा सेट था वैसे पहले से, ये मैंने सेट नहीं किया ऐसी तैसी इसकी, लेकिन ये कमरा भी गोबर बना रखा था। इट इज ऑल्सो सेट, यस इट इज जॉब वेल डन माय गाइस, वी अर्न 2000 $3000, आई गेस इज फाइन, 3 स्टार, बूम, 3 स्टार से नीचे लेता ही नहीं मैं मेरे ताऊ जी। And it's good, my guys. तो ये है दूसरा घर, एक आंटी का घर है। आंटी ने बोला कि बेटा इस घर को साफ कर देना, मैंने बोला आंटी तुम्हारी भैंस की लकड़ी। ओह अपने को वैक्यूम वगैरह भी मिला है गाइस, तो आखिरकार अपने को कुछ नई चीज मिली है। इसको हटाओ पहले, पहले ये चीज को स्ट्रेट किया जाए। ये क्या है, ये क्या नल बज्जी है, ऐसे क्यों है ये बताओ, इसको स्ट्रेट किया जाए। आ जाओ अब डालो इसके अंदर ये चीजें, आ जाओ ऐसे तैसे आपकी भैंस की लकड़ी। आंटी आपने ये गंदगी जो फैलाई ना मेरे को अच्छा नहीं लगा, देख के लेकर कोई बात नहीं, मैं साफ कर देगा चीजों को, अपना काम है, इट इज आवर जॉब माय गाइस। ये उल्टी क्यों है साला, मैं उल्टी भी साफ करूंगा क्या आप लोगों की, ये उल्टी क्यों पड़ी गाइस इधर, व्हाट इज दिस बिहेवियरल पैटर्न, उल्टी पड़ी है साला यार बताओ। लेकिन कोई बात याद आओ, ये कितना कूड़ा है भाई, कितना कूड़ा है आंटी, कहां तक कूड़ा भर रखा है आपने, ये क्या था आंटी ने इतना कूड़ा भर रखा है कि मैं क्या बताऊं गाइस, लुक एट दिस, लेकिन दैट्स ओके आई गेस, बूम बूम, आंटी ने पता नहीं क्या क्या कूड़ा रख रखा है इधर पे। आंटी शर्म आनी चाहिए आपको, ये कूड़ा करते हुए, हाँ कूड़ा फिर से आप साफ करा रही हो ना, ये जो ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। इज दिस ऑल्सो कूड़ा, दिस इज नो कूड़ा गाइस, बट आई गेस इट इज अ सेलिंग थिंग, यस। आ जाओ शुरुआत करेंगे बाहर से, अरे अंदर तो मैंने देखा ही नहीं क्या गोबर फैला रखा आंटी ने, ये शुरुआत की चीजें है। और कुछ बेचने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बेचना क्या है आंटी, आंटी चाहती है मैं यहाँ पे कुछ बेच दूं, लेकिन क्या बेचूं, पेड़ बेच दूं क्या आपका, ये फूलदानी बेच दूं, क्या बेचना क्या है, 3 चीजें सेल करनी है मेरे को यहाँ, क्या है पर वो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सेल करने का, अंदर है तो अंदर का यहाँ पे क्यों दिखा रहा है पता नहीं। लेकिन आ जाओ गाइस, मेरे ख्याल से ये भी मेरे को साफ करना पड़ेगा, यस ऑफ कोर्स ये भी मेरे को ही साफ करना है, ऐसी तैसी आंटी तुम्हारी। आ जाओ देखते हैं अभी यहाँ पे क्या पड़ा है। ओके ये चेयर, टेबल चेयर पता नहीं ऐसे क्यों रख रखा आंटी ने, ये सेल तो नहीं करना, ये सेल करना है शायद, हाँ ये आंटी घर बेच रही है तो इन चीजों को सेल करना है मेरे गाइस। अब ये कैसे होगा, ये वैक्यूम होगा शायद, हाँ it is good my guys, it is good, पत्तों को वैक्यूम क्लीनर डाल दिया था ऐसे तैसे ही। मैं सोचूं पत्ते कैसे साफ हो, आखिरकार अपन ने वैक्यूम क्लीनर अनलॉक कर ही लिया गाइस। आ जाओ अभी यहाँ पे मारना है ये कपड़ा बहुत ज्यादा मार रहा हूँ मैं, ये चीज देख रहा हूँ मेरा कपड़ा अपग्रेड कब होगा,
मैं ये चीज देख रहा हूँ कि कपड़ा अपग्रेड नहीं हो रहा, कपड़ा अपग्रेड हो जाए मजा आ जाएगा इस। ओके तो बाहर का एरिया इट इज ऑलमोस्ट क्लीन, ये कैफे है, एक आंटी का अंदर से है खराब मेरे ख्याल से ये। आओ आप अंदर जाके देखते हैं क्या गोबर फैला आंटी ने। सबसे पहले तो मैं ट्रैश डालना चाहूंगा अंदर, कुछ है नहीं वैसे ट्रैश इधर, ये रहा क्यों मैंने क्यों बोला इतने जल्दी की कुछ है नहीं, ये रखा साला। आज हम आ गए वी पुट इट राइट हियर, फूल पौधे मर चुके हैं इस आंटी के, पता नहीं क्या करा इसने, लेकिन आज वी पुट इट राइट हियर, पुट दिस थिंग राइट हियर। और क्या क्या है गोबर यहाँ पे, यहाँ तो मक्खी मुक्खी भिना रही है गाइज, मक्खी भी भिना रही है, ये क्या जगह है, बाहर आ गया मैं तो। लेकिन लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड हियर, ये रहा ट्रैश, वही मैं सोचू आंटी का घर हो और ट्रैश ना हो। और ये क्या है, ये ड्रैग और पता नहीं कैसे ये सब हो रखा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लेकिन हाँ और ट्रैश मेरे को दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं इसको पहले फेंक के आ जाते गाइज, आ जाओ वी पुट दी ट्रैश राइट इन साइड बब। आओ अब देखे अब क्या है बेचने की, अरे ये तो बेचना है तो मैंने ये साफ क्यों किया जब ये बेचना था, बड़ा नलबाजी है। आ जाओ यहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या बेचना होगा गाइस, लेट अस सी दिस, आंटी सब कुछ बेच के ही जाएगी लगता है घर से, अपने अपने बच्चों को तो नहीं बेच दिया आंटी ने पता नहीं मेरे को। लेकिन आ जाओ गाइस वी हैव टू सेल एवरीथिंग राइट हियर, बूम बूम सेल इट राइट हियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल कर दे सब कुछ, ये टेबल सोफा सब कुछ सेल कर रही है, स्लैब वगैरह सब कुछ बेचना था आंटी को। लेकिन ये सेल के पैसे, एक सेकंड गाइस, सेल के पैसे मुझे क्यों मिल रहे हैं मैं ये नहीं समझा, आंटी का घर आंटी का सामान सेल मैं कर रहा हूँ तो पैसे मेरे को कैसे मिल रहे हैं, ये बात नहीं समझा गाइस मैं, थोड़ा ये बात थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, पता नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन कोई ना, आ जाओ एक चीज और है इस कमरे में जो मुझे सेल करनी है, वेयर इज इट, बाथरूम बाथरूम है क्या कुछ, टॉयलेट बेच दूं, टॉयलेट उठा के बेच दूं, टॉयलेट उठा के पटक के बेच दूं गाइस, और कुछ है ये है क्या, नहीं तो और क्या सेल करता है। आ जाओ अभी इस पे वैक्यूम मारना पड़ेगा लगता है, हाँ ये क्या है, चिप्स चुप्स गिरा रखा क्या साला, चिप्स वगैरह गिरा पड़ा इधर, पता नहीं क्या क्या गिरा पड़ा है गाइस। आ जाओ सेल दिस, और क्या है सेल करने का, ये रखा सेल दिस थिंग, सेल दिस ट्रैश राइट हियर, 12 चीजें यहाँ पे सेल करने की, बूम 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 बूम, काफी काफी पैसा आ तो गया, लेकिन मैं बेच कैसे रहा हूँ किसी और का सामान, मैं ये नहीं समझा गाइस, सोच रहे हो यहाँ पे अब क्या है सेल करने का, देखूं मैं ये रहा पता नहीं कहाँ कहाँ रखा है सालों ने, ओ ये रहा पता नहीं कैसे मिस कर दे रहा हूँ गाइस मैं इन चीजों को। आ जाओ लेकिन आप साफ किया जाए ये गंदा, पूरा शीशा ही शीशे की ऐसी तैसी कर रखी है आंटी ने, आंटी आपको शराब आनी चाहिए, शीशा ऐसा गंदा क्या, ये लिपस्टिक लगा दिया था क्या, मुंह जोड़ दिया था क्या आपने यहाँ पे, पता नहीं क्या किया इस आंटी ने। लेकिन आ जाओ वी क्लीन दिस लाइक दिस, चमकीला ना हो, ओके विंडो, ओ अच्छा ये भी, अच्छा ये ड्रॉइंग ये भी साफ करना है, ऐसी तैसी अच्छा बेच रही है तो पूरा कस्टम करके बेच रही होगी गाइस, इसलिए ये सब है, समझ गया मैं, इस पे ड्राइंग है, इन दो पे ड्राइंग थी और एक पे पता नहीं क्या बना रखा था। लेकिन कोई ना, आ जाओ वी क्लीन इट, इट इज क्लीन्ड राइट हियर बूम, बस अपने को अब ये स्टेन वगैरह साफ करने हैं, उसके बाद ये कैफे भी हो जाएगा सेल करने के लिए तैयार। 3 स्टार से कम काम में करता ही नहीं मेरे गाइस, 3 स्टार इज द मिनिमम वर्क वी डू, कम ऑन 3 स्टार से नीचे चाहिए नहीं अपने को। आ जाओ जरा लेट अस डू दिस बूमास्टिक, बूमास्टिक ये एक स्टेन बाकी है बस, पता नहीं कहां पर है वो दिख नहीं रहा मेरे को। बूम दिस रूम इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लीन माय गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लीन करना बता रहे हैं, यहाँ पे क्या करना क्या है, सेल करना है चीजों को, अच्छा ये था बस हो गया। अच्छा इन चीजों को थोड़ा इधर रख देता हूँ, बैग बुक पैक कर चुकी है आंटी, इसका कैफे था लगता है, कैफे बंद हो गया, धंधा पानी बंद हो गया होगा इसका, तो इसलिए इसने ऐसा 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 क्या कहते हैं इसे बेचना चाहा। ठीक है इट इज डन, नाउ वी नीड टू क्लीन दिस वन गाइस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रैश राइट हियर। ओहो वैक्यूम भी काफी मारना पड़ेगा, पहले मैं ना ये स्टेन हटा देता हूँ फिर ही गाइस वैक्यूम मारेंगे, समझ रहे हो, पहले अपन पूरा स्टेन पूरा साफ कर देंगे फिर ही वैक्यूम करेंगे, नहीं तो फिर पता नहीं चलता वैक्यूम कहाँ होना है स्टेन कहाँ होना है, समझ रहे हो। इट इज क्लीन, इट इज क्लीन, आ जाओ ये विंडो भी साफ करनी है। अरे आंटी तुम्हारी भैंस की डंडी, ये विंडो मैंने साफ की थी, पूरा गंदगी वापस आ गया, देखो देखो ये किया मैंने, बीच से पूरा साफ किया ठीक है, लेकिन मैं हटा दो तो वापस आ जा रही है गंदगी, वाह ये क्या लॉजिक है साला गेम का, ऐसी तैसी इसकी, बट वी क्लीन इट माय बॉयज, बूम इट इज डन, आंटी से मोटा पैसा हथियाऊंगा गाइस, टेंशन ना लो, बूम इट इज डन आल्सो, बूमास्टिक यस, इट इज डोर एंड विंडो इट इज क्लीन। आ जाओ यहाँ पे पहले यहीं का करता हूँ बस, अब विंडो, ओहो एक विंडो और इधर पे भी है गाइस, ये रही ये वाली विंडो क्लीन करनी है अपने को, बूम इट इज डन, और इसके ऊपर वाली विंडो भी अपने को क्लीन करनी है, बूम इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। आ जाओ बस ये स्टेन बाकी है हल्का सा, ये तो वो लग रहा है वो जो स्क्रैच वाला नहीं आता था, लकी स्टिकर कूपन स्क्रैच करो पीसा पाओ वैसा वैसा कुछ लग रहा है जब, ये तो कोई दिक्कत ना, आ जाओ, आ जाओ कहाँ पर है स्टेन, दिख जाए तो मैं करूँ कुछ, वेयर इज द स्टेन, अब ये ऐसे छुपा के बनाते स्टेन मेरे को क्या पता चलेगा, ये तो अलग कमरा है ना, यहाँ का दिखाओ मेरे को, इस कमरे का स्टेन बताओ कहाँ है, वेयर इज इट गाइज, एक स्टेन और इस कमरे में कहाँ, लेकिन रुको पहले ना मैं ये साफ कर देता हूँ तब पता चल जाएगा, सारा साफ कर दो तब पता चलेगा। मेरे ख्याल से ये जो बॉक्स रखा है ना
इस बॉक्स के नीचे स्टेन गाइस, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, ये जो बॉक्स रखा है, अरे कहाँ है भाई? गाइस एक स्टेन बता रहे कहाँ? ओ अच्छा साला यहाँ कोने पे था, दिख भी नहीं रहा था। आ जाओ अब जरा वैक्यूम कर लिया जाए, लेट मी वैक्यूम इट माय बॉयज, वैक्यूम क्लीनर भैंस का लकड़ा, अब वैक्यूम करता है अपने को, काफी जोर से वैक्यूम करता है, सारी चीज अंदर डाल दूंगा। नाइस जॉब, एक स्टार अपने को मिल गया है, थोड़ा बहुत पैसे ऐटने लायक अपने को पैसा मिल जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ, वी नीड मोर। आ जाओ यहाँ पे ये स्टेन वगैरह साफ करते हैं अपन, बस उसके बाद ये वाला हो जाएगा पूरा। यहाँ पे कोई स्टेन है कुछ नहीं है इधर पे। चार स्टेन बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ है भाई, चार स्टेन बता रहे गाइस इस कमरे में। आई कैन सी नथिंग, वेयर इज द स्टेन? अच्छा ये तो रहा, पता नहीं कैसे मिस कर दे रहा हूँ मैं। और एक स्टेन बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर ही होगा वो। एक तो इसमें ढूंढना इतना मुश्किल हो, पता नहीं गंदगी कहाँ कहाँ लगा के रखते हैं पता ही ना चले। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं है, कहाँ है गाइस? यहाँ कहीं है। ओके तो ये कमरा भी हो गया बहुत बेहतरीन, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। आ जाओ ये वाला अगर देखा जाए ये भी हो चुका है, लेकिन मेरे को अभी एक ही स्टार मिला है। व्हाई इज दैट माय बॉयज? आ जाओ यहाँ पे चीजें बेचनी होंगी पक्का। बूम 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 बूम, टॉयलेट ही बेच दे पूरा ऐसी तैसी। बूम, ठीक है तीन चीज और है यहाँ बेचने के लिए, एक दो तीन। टिश्यू पेपर भी नहीं छोड़ा भाई आंटी ने, मजाक सेट के गाइस, आंटी ने टिश्यू पेपर तक नहीं छोड़ा, टिश्यू पेपर तक। चलो बाथरूम तो साफ है इसका, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट इसका बाथरूम तो साफ है। ये भी हो गया गाइस, सब कुछ हो गया मेरे एंड से, तो कहाँ पे दिक्कत पड़ रही है गाइस? कहाँ दिक्कत पड़ रही है मेरे एंड से? तो सब कुछ हो गया साफ, इतना सा तो ये दो मंजिला है क्या? यहाँ पे कुछ दिक्कत दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? इस घर पे कहीं ना कहीं सीढ़ी है क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ गाइस? क्योंकि अभी मैं जॉब फिनिश करूंगा तो मेरे को एक स्टार, ये क्या है, दो स्टार मिलेगा, व्हाई इज दैट? मेरे को तीन स्टार चाहिए इस जॉब में, पर कहाँ कमी कहाँ पड़ रही है ये नहीं समझा गाइस मैं। ऊपर रास्ता है, सीढ़ी है क्या? पता नहीं गाइस ऊपर कैसे जाऊं, ऊपर जाने की सीढ़ी है कुछ, जाता भी नहीं है ऊपर, तो और क्या करना है? अरे ओ व्हाट द हेल, साला बेसमेंट है यहाँ पे पूरा का पूरा जिंदा बेसमेंट, मेरे को पता ही नहीं, पूरा का पूरा जिंदा बेसमेंट पड़ा इधर पे। वही मैं सोचू क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा इसका घर पूरा बेसमेंट के अंदर है गाइस, ये बात है। वही मैं सोचू यार कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं काम करूं और तीन स्टार काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे गाइस? आ जाओ ये सारी चीजें बेचनी अपने को, इट इज अ सेलेबल थिंग, सेल द सेलेबल। और कुछ है सेल करने के लिए? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये भी बेचना है क्या? ये नहीं बेचना, दो चीजें और है सेल करने के लिए। अच्छा ये क्या सेल कर रहा हूँ मैं? ये डब्बे कहाँ सेल कर रहा है भाई? आ जाओ गाइस ट्रैश उठाओ इसमें ऐसी तैसी, इसकी सारा कूड़ा साफ करो, उसके बाद हो जाएगा ये काम। It is done. अब ये कपड़ा मार दे बस, मेरे ख्याल से it will be done guys. मेरे ख्याल से अब तीन स्टार मिल जाना चाहिए अपने को। आ जाओ, मैं सोचूं तीन स्टार कैसे नहीं मिल रहा? इस बुढ़िया ने नीचे घर के नीचे बना रखा मामला, समझ रहे हो? घर के नीचे बेसमेंट बना रखा, क्या बच्चे तो नहीं छुपा रखे इसने कहीं, यहाँ किडनैप तो नहीं कर रखा इसने किसी को, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं इसका। वैसे भी ये बेच के जा रही है, कुछ तो दिक्कत होगी ऐसी तैसी इसकी। आ जाओ गाइस, बट वी पुट इट राइट हियर, कम ऑन पुट इट राइट हियर, बूमबास्टिक, क्लीन इट राइट हियर, बूम, इट इज गुड। अरे भाई साहब क्या गंदगी है भाई इसका बेसमेंट तो पूरा, यहाँ पे तो किसी को पेला गया है पक्का इस बेसमेंट में गाइस, मजाक सेट के मैं बताऊँ, अगर कुछ ना कुछ गलत काम हुए हैं इस बेसमेंट में, मैं मान नहीं सकता कि कुछ गलत ना हुआ हो भाई, बहुत गलत है। इतनी बुरी हालत तो भैया मैंने आज तक ना देखी किसी बेसमेंट की। ये क्या है? ये तो बिल्कुल कैद खाना बना रखा था इस बुढ़िया ने। कोई दिक्कत आ जाओ, वी क्लीन इट, 11 स्टेन और है साला, साफ होने का नाम नहीं लेता, स्टेन ऐसी तैसी तुम्हारी। ये देखो इतने बड़े बड़े स्टेन यहाँ पे पड़े, चल साफ कर इसको, एक साल लग गया साला ये साफ करने में, और ये तेजी से भी नहीं करता क्लीन, बिल्कुल धीमे धीमे करता है ऐसी तैसी इसकी। ये अपग्रेड का भोका, रुको पर्क, वेर विल इट अपग्रेड? ओ हो तो गया, ओ इट इज फास्ट नाउ गाइस, इट इज फास्ट आई गेस, ये इट इज गुड। बताया नहीं सालों ने कि अपग्रेड आ रखा है, देख रहे हो? ये बताया नहीं उन्होंने कि अपग्रेड आ रखा है, भैया अपग्रेड कर दो, ये बताया नहीं। एक स्टेन बाकी है गाइस, विंडो के बाद एक, पता नहीं कहां पर है वो, दिखती नहीं है, लेकिन आ जाओ इसको विंडो को भी साफ कर दिया जाए। तीन स्टार से कम नहीं लेते गाइस हम। विंडो, एक विंडो और है ये नहीं। आ जाओ गाइस दिस इज डन, बूमास्टिक, ओके इट इज ऑलमोस्ट डन, वी हैव थ्री स्टार, एक स्टेन और बाकी है, जब तक मैं ये रहा, कहां है ये रहा, ये बताओ दिख भी रहा है, ये दिख भी रहा है तुमको ये स्टेन? हो गया गाइस, साफ हो गया, इट इज डन, जॉब इज कंप्लीट, $4,000 में आप देखो इस जॉब में, इट वॉज गुड, तीन स्टार से कम तुम्हारा पाइक करता ही नहीं है जॉब में, इट वॉज गुड, बाय गाइस, वी एक्सेप्ट द मनी। ओके तो अपने पे काफी और जॉब भी आ चुके गाइस इस स्टेट पे, तो हम कर चुके हैं एक, यहाँ पे पानी का भी जॉब आ रखा है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ अलग होगा, लेकिन आज की जरूरत है ये है सफाई कर्मचारी एपिसोड में, इतना ही सफाई कर्मचारी, मेरी सफाई कैसी लगी आपको मेरे को बता रहा हूँ।